जी तारिक भाई, तो आज आप कबूतर दिखाएंगे हमें। ये हैं तारिक भाई के कबूतर, और तारिक भाई जो है 2:30 बजे दिन की उड़ाता है कबूतर कोटिया में, क्योंकि दिन गर्म हो चुका है। साथ में ये कब्रिस्तान है शेख उमर रोड, और ये तारिक भाई के कबूतर जा रहे हैं। लांबा किया हुआ है पहली हवा में, दिन गर्म है कोटा का आज, तो इस वजह से जो है तारिक भाई थोड़ा सा लेट जो है इनको उड़ाते हैं, ताकि हवा चले और दिन ठंडा हो। तो ये देख रहे हैं टावर्स के पास जाते हुए। वाह तारिक भाई वाह, थोड़ी मेहरबानी। आप बोलो इनको बाद में उड़ाओगे तारिक भाई? इनको शाम को। अच्छा, ये शाम का नया है सारा। ये सारा नए मस्त। नहीं, के साथ उड़ाओगे? नहीं, हॉट एंड स्पाइसी। ये देखो कितना नजदीक है, उसे हाथ लगो तो आ जाएगा, जाने का जरूरत ही नहीं। वो उधर छत छत देख रहे? हाँ, चादरे मादरे दरख्त मरख। हाँ, वो जो भी बंदा भी निकल रहा है। हाँ, इधर गाय ऊपर। हाँ ना, कैसे ले जाते हैं चिड़ियों से? फिर ये तो अच्छा है, उधर पैर फिट किए हो, जो भी वो है गोबर वगैरह वो पेड़ से निकल जाता होगा। नाला नाला खुद ब खुद बढ़ता जाता है।
नहीं ये खंबा जो लगा हुआ इसके साथ ये नाला आ रहा है ना बड़ा वाला नाला नहीं ये बड़ा वाला नाला आ रहा है ये ना पीछे कब्रिस्तान है ना से बैठा ये देखिए जी कबूतर आ रहे हैं वापस तारिक भाई के कबूतर लो जी ये तारिक भाई के कबूतर वापस आ गए ये मेरा दोस्त है आसिफ भाई और ये उसका बेटा माशाल्लाह आ रहे तारिक आ रहे ख्याल करो तो पहले दाना दो ये ले जी तारिक भाई ने एक नया शिकार पकड़ लिया लेके जी तारिक भाई ने कबूतर पकड़ा है दिखाएं तारिक भाई किस तरह कबूतर पकड़ा है माशाल्लाह सॉस कबूतर है कोयटा में हम इसके सॉस कहते हैं माशाल्लाह वाह तारिक भाई पहले हम छत पर आ पाए और हमने जो है बस लो जी इसको आज़ाद कर रहे हैं वापस